जय जिनेंद्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, विद्या गुरु संस्मरण लाया है आप सभी के लिए एक अनोखी प्रस्तुति, विद्याधर से विद्या सागर तक की संपूर्ण यात्रा कुछ प्रसंगों के माध्यम से। तो दोस्तों, आज इस तीसरे चरण में हम देखेंगे कि किस तरह से विद्याधर ने अपने गुरु की खोज को पूर्ण किया। तो बात सन 1967 की है, दिन 24 मई था। रात में लगभग 12-1 बजे विद्याधर अजमेर पहुंचे। तो अजमेर में ही एक ब्रह्मचारी भैया के घर उन्होंने विश्राम किया। भूख एवं गर्मी से बेहाल ब्रह्मचारी विद्याधर जी की स्थिति को देखकर उन ब्रह्मचारी भैया ने कहा कि विद्या, छत पर तुम विश्राम करो और छत पर ही एक नल है तो उससे स्नान भी कर लो। विद्याधर जैसे ही छत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नल से तो पानी ही नहीं आ रहा है। अतः ब्रह्मचारी भैया के कमंडलू से जल को अपने दुपट्टे में लेकर दुपट्टा गीला कर उन्होंने विश्राम करने का सोचा। परंतु कुछ समय बाद तो दुपट्टा भी सूख गया। अब गर्मी से लथपथ और गर्मी की वेदना अभी भी कायम थी, तो आंखों ही आंखों में पूरी रात निकालनी पड़ी। अब सुबह पूजन अभिषेक के बाद भोजन सामायक आदि करके विद्याधर की नींद कब लग गई पता ही नहीं चला। फिर शाम को जलपान ग्रहण करने के लिए ब्रह्मचारी भैया ने विद्याधर को जगाया और शाम को जलपान के बाद ब्रह्मचारी जी के साथ ज्ञानार्जन की आस लिए विद्यमान पंडित श्री विद्या कुमार जी सेठी अजमेर वालों के पास विद्याधर पहुंच गए। जब पंडित जी ने विद्याधर से पूछा क्या करना है, तब विद्याधर ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, हमें आत्म साधना के साथ ज्ञानाध्ययन भी करना है, इसीलिए संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ पंडित जी। यह सुनकर पंडित जी ने विद्याधर से झड़कते हुए कहा, पहले हिंदी तो सीख लो तब संस्कृत पढ़ना। यह सुनकर ब्रह्मचारी विद्याधर जी खाली लौट आए और यह देखकर ब्रह्मचारी जी ने विद्याधर को सलाह देते हुए कहा कि तुम्हें मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज के पास जाना चाहिए। तुम्हारी शिक्षा एवं दीक्षा की जो प्यास है वह मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज की शरण में जाने से पूर्ण हो सकती है। वे ज्ञान की मूर्ति है जिन्होंने प्रायः आज के सभी आचार्यों एवं उनके संघों को पढ़ाया है, और मैं तो समझता हूँ कि तुम्हें वहाँ ही जाना चाहिए विद्याधर। तो दोस्तों, जब ब्रह्मचारी विद्याधर चूलगिरी राजस्थान में थे, आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के पास भी मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज की विद्वता एवं चारित्र के विषय में कई बार चर्चा हो चुकी थी। अतः ब्रह्मचारी विद्याधर मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में जाने के लिए सहर्ष तैयार हो गए। ब्रह्मचारी विद्याधर जी को मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज तक पहुंचने के लिए ब्रह्मचारी भैया ने उनका संपर्क मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज के परम भक्त श्रावक श्रेष्ठी श्री कजौड़ी मल जी अजमेरा अजमेर से विद्याधर का संपर्क करवाया गया। दूसरे दिन की रात्रि का विश्राम विद्याधर ने कजौड़ी मल जी के यहाँ ही किया और प्रातः भोजन आदि से निवृत्त होकर ब्रह्मचारी विद्याधर ने श्री कजौड़ी मल जी, श्री चेतन मल जी एवं श्री मिलाप चंद जी अजमेर के साथ मदनगंज किशनगढ़ की ओर प्रस्थान किया। तो दोस्तों, इस तरह से एक अनगढ़ पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए एक अलौकिक शिल्पी के हाथों में सौंपने का सौभाग्य गुरु भक्त श्री कजौड़ी मल जी अजमेरा अजमेर वालों को प्राप्त होता है। इन्होंने अपने जीवन काल के अंत तक पहले आचार्य श्री ज्ञान सागर जी एवं बाद में आचार्य श्री विद्या सागर जी के पूर्ण समर्पित भाव से सेवा की। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है विद्याधर की यात्रा, ज्ञान के सागर में डुबकी लगाकर स्वयं विद्या के सागर बनने तक की यात्रा। तो मित्रों, अब अगला चरण शुरू होता है जब विद्याधर पहुँचे मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज के पास। तो श्रावक श्रेष्ठी कजौड़ी मल जी विद्याधर को लेकर मुनि श्री ज्ञान सागर जी के चरणों में पहुँचते हैं और मुनि श्री ज्ञान सागर जी को ब्रह्मचारी विद्याधर जी का परिचय देते हुए कहते हैं कि गुरुदेव, यह ब्रह्मचारी जी सुदूर दक्षिण भारत से आपके पास ज्ञानार्जन करने हेतु आए हैं। तब मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज बोले, ऐसे तो कई लोग आते जाते रहते हैं। यह सुनकर ब्रह्मचारी विद्याधर के मन में हलचल सी हो गई। चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए विद्याधर बोले, गुरुदेव,
मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ। मुनिश्री ने नजर उठाकर देखा और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? तब विद्याधर बड़े ही सहज भाव से बोले, गुरुदेव विद्याधर नाम है मेरा। और यह नाम सुनकर मुनिश्री को हंसी आ गई और बोले, अच्छा विद्याधर हो, विद्या लेकर उड़ जाओगे मतलब? तब विद्याधर बोले, गुरुदेव विश्वास कीजिए, मैं ज्ञानार्जन कर भागूंगा नहीं, मुझे अपनी शरण में रख लीजिए गुरुदेव। मुनिश्री बोले, क्यों कजौड़ी मल जी, विश्वास कर लूं ब्रह्मचारी पर कि नहीं? कजौड़ी मल जी कुछ बोल पाते इसके पूर्व ही ब्रह्मचारी विद्याधर हाथ जोड़कर समर्पित भाव से बोले, गुरुवर यदि विश्वास नहीं तो मैं इसी समय से आजीवन सवारी का त्याग करता हूँ। छोटी सी बात पर इतना बड़ा त्याग देख अचंभित हो गए मुनिश्री ज्ञान सागर जी महाराज। और अचंभित होते भी क्यों नहीं, विद्याधर ने एक ही बात, इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा त्याग जो कर दिया था। और यह सुनकर विद्याधर से बोल उठे, यदि तुम ज्ञान अध्ययन करने के लिए इतने दृढ़ संकल्पित हो तो मैं तुम्हें एक दिन विद्यानंदी बनाऊंगा। विद्यानंदी न्याय एवं दर्शन के बहुत बड़े आचार्य हुआ करते थे। तो दोस्तों इस तरह वर्तमान युग की गुरु शिष्य की निर्मल एवं अनूठी परंपरा का सूत्र पात्र हो जाता है। और एक अनदेखे अपूर्व त्याग एवं समर्पण के साथ विद्याधर अपने आप को मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नए संस्मरण के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और गुरु भक्ति में लीन रहें। हमसे जुड़े रहें हमारे फेसबुक व्हाट्सएप और यूट्यूब चैनल से। सादर जय जिनेंद्र।